महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री विजय चौथा वाले जी, डॉक्टर गिरीश अफवाले अध्यक्ष भारतीय विचार साधना, श्री राजीव सहस्रबुद्धि जी, पुस्तक के अनुवादक श्रीमती सरिता अठवाले जी, साथियों, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने समय दिया, आप आए यहाँ। और मेरे लिए, क्योंकि मैं पुस्तक का लेखक हूँ, लेखक को तो ऐसे ऐसे अवसर पर गर्व तो होता है, गर्व होता है कि इतने सारे लोग आए सुनने के लिए, आए चर्चा करने के लिए आए। और मैं सबसे पहले शुरू करूँगा कि मेरे लिए ये मराठी अनुवाद का महत्व क्या है। आप सब जानते हैं कि विदेश नीति हर देश में केंद्र सरकार बनाती है, उसकी विदेश मंत्रालय के सहायता से बनाती है, पर बड़े देशों में ये केंद्र सरकार में सीमित नहीं रहती। कि जब अलग अलग राज्य होते हैं, क्षेत्र होते हैं, प्रांत होते हैं, सबका अनुभव कुछ अलग होता है, उनकी परिप्रेक्ष्य अलग होती है। जैसे अगर आप दिल्ली में किसी से पूछेंगे कि आप बताइए कि हमारी समुद्र इतिहास क्या है, अब वो तो कहेंगे कि भाई हम तो भारत में पता नहीं नवसेना था नहीं था। अब वही प्रश्न अगर आप तमिलनाडु में पूछेंगे तो वो बहुत गर्व से कहेंगे, अरे हमारे यहाँ तो वो चोला राज्य के समय में हमारी नवसेना जो है वियतनाम इंडोनेशिया तक गई थी। या पुणे में पूछेंगे तो लोग कान्होजी आंग्रे की बात करेंगे। तो अब वही उदाहरण मैं आपको व्यापार के बारे में दे सकता हूँ कि जो हमारे जो कोस्टल स्टेट्स जो हैं उनका अनुभव, उनका इतिहास व्यापार के बारे में अलग था। जो जो उत्तर प्रदेश या बिहार या दिल्ली का ना हो, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब विदेश नीति, अच्छी विदेश नीति जो बनाते हैं, ये ऑल ऑफ इंडिया पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें स्टेट्स भी भागीदार हों, जिसमें पूरे भारत का अनुभव, पूरे भारत का हित जुड़कर उसका निचोड़ जो है एक किस्म से फॉरेन पॉलिसी की फाउंडेशन हो। अब ये भी है कि हम आजकल ग्लोबलाइज्ड दुनिया में रहते हैं, ये ग्लोबलाइज्ड एरा है, और इस ग्लोबलाइज्ड एरा में हम सब जो हैं भागीदार हैं। और जो जो आज देवेंद्र जी ने भी जिक्र किया था कि अब हम जी ट्वेंटी का कार्यक्रम में अब पूरी भारत जुड़ी हुई है, और ये इसीलिए जुड़ी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री की सोच है कि ऐसे बड़े जिम्मेवारी के समय ये खाली राजधानी का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। और वही सोच जो है मेरे लिए आज के कार्यक्रम में, जब मराठी के अनुवाद में, ये मराठी भाषा में मेरे पुस्तक का अनुवाद हुआ है, मुझे भी वही भावना है कि जो है ये जो हमारी सोच है ये खाली एक छोटे सर्कल में दिल्ली में नहीं रहना चाहिए, ये पूरे भारत में चर्चा होनी चाहिए। और ये मेरे लिए, जैसे मैंने कहा, आज अत्यंत गर्व का विषय है, गर्व का समय है। मैं थोड़ा बहुत आपको किताब के बारे में बताना चाहता हूँ। विजय जी ने आपको कहा कि 2018-19 में जब मैं विदेश सचिव, मैं विदेश सेवा से मैं उस समय मैं रिटायर हो चुका था और उस समय मैं पॉलिटिक्स में आया नहीं था, तो उस समय मैंने ये शुरू किया था। और ये इसका तरीका ये था कि मैं ऐसे कोई मंच में आता था और ये जो 8 लेख जो हैं, जो
जो पुस्तक के 8 जो मुख्य लेख जो हैं, मैं उन पे बात करके जो प्रश्न उत्तर उसका निचोड़ जो है मैं फिर उस लेख के साथ में जोड़ देता था। तो एक किस्म से ये पब्लिक इस किताब से पहले से जुड़ी हुई, और अगर आप देखेंगे कि जो भाषा मैंने प्रयोग किया है वो टेक्निकल भाषा नहीं है, वो पब्लिक की भाषा है, क्योंकि शुरू से मेरा प्रयत्न था कि ये विदेश नीति जो है विदेश मंत्रालय के बाहर मैं कैसे ले जाऊं, पब्लिक को मैं कैसे इन्वॉल्व करूं, दिल्ली के बाहर बाकी शहरों बाकी प्रांतों को मैं कैसे इन्वॉल्व करूं, तो ये मेरा प्रयत्न था। और तो इस स्टाइल में ये बुक की जो रचना जो है ये मुझे लगता है मराठी में तो मैं कह नहीं सकता, पर जो मैंने इसकी हिंदी अनुवाद पढ़ी है और अंग्रेजी मैंने लिखा था, बहुत एक किस्म से वेरी ईजी रीड मैंने जानबूझ के इसको किया है। अब जो लेख जो हैं ये कुल मिला के 8 मुख्य लेख हैं। पहला जो है ये अवध का मैंने उदाहरण लिया है। अवध माने जो विजय जी ने कहा शतरंज के खिलाड़ी, आप कुछ लोगों को किताब याद होगा, कुछ लोगों ने फिल्म भी देखी होगी, कि ये दो नवाब जो हैं ये अपना शतरंज का खेल खेल रहे हैं, दोनों माने बिल्कुल उनका फोकस उसी में है। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों की कंपनी जो थी, ये जो हैं भारत का कब्जा कर रहे हैं, और इन लोगों को ये माने इतने अपने गेम में उनका पूरा ध्यान उसमें कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है और अपने देश में क्या हो रहा है। और मेरा लिखने का मकसद ये था कि हमें इतिहास के सबक होते हैं, हमें वो सबक सीखने चाहिए, याद रखने चाहिए, आगे के लिए जो है हमें दुनिया के बारे में हर वक्त जागृत रहना। दूसरा लेख जो है उसी को डेवलप करते हुए ग्लोबलाइजेशन पर। अब आज अगर कहीं भी आप दुनिया में जाएं, किसी भी जो विदेश नीति के बारे में मंत्री हों या कोई स्पेशलिस्ट हों या कोई राजदूत हों, उनसे आप कहेंगे कि आप मुझे दुनिया की स्थिति अगर आप एक शब्द में दें वो शब्द क्या होगा, और लोग कहेंगे ग्लोबलाइजेशन। कि आज अगर एक माने ऐसा कुछ प्रोसेस है जो जिसने पूरे दुनिया को लपेट लिया है वो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस है। पर मेरे लेख में मैंने ये एक किस्म से चेतावनी दी है कि ग्लोबलाइजेशन की भी अपनी कमियां हैं, उसकी चुनौतियां हैं, उसके खिलाफ एक रिएक्शन भी अलग अलग देशों में हो रही है। और मैंने खासकर क्योंकि यह किताब जो है 2018-19 में लिखी गई, उस समय मैंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे उन पे काफ़ी फोकस किया। और जो ग्लोबलाइजेशन की जो राजनीतिक और आर्थिक उसके खिलाफ जो भावनाएं जो अलग अलग देशों में प्रकट होना शुरू हुआ था उसका मैंने दूसरे लेख में विवरण किया। तीसरा लेख जो है ये इसका टाइटल है डॉगमास ऑफ दिल्ली। डॉगमा माने दुराग्रह, कि जो कभी कभी लोगों के मन में ऐसे माने अड़ जाते हैं कि जब दुनिया बदलती है, ज़माना बदल रहा है, वो जो है उसके साथ वो साथ साथ चल नहीं सकते, उनकी सोच कहीं पीछे रह जाती है, उनको लगता है कि हम पुरानी आदतों से ही दुनिया को देखें। तो ये एक किस्म से परिवर्तन का मैसेज है कि दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलना चाहिए, और अगर हम नहीं बदलेंगे इसका हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। चौथा लेख जो है एक किस्म से मैं कहूँगा विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी पर ही है, पर ये एक जन भागीदारी का तर्क है कि अगर आप देखेंगे कभी कभी जो विदेश नीति से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ ये आरोप लगाया जाता है कि वो अपने आइवरी टावर में बैठ के दुनिया के एनालिसिस करते हैं, कि वो ज़मीन से जुड़े नहीं हैं, उनको कभी कभी पता नहीं होता कि ज़मीन में लोगों उनके हित क्या हैं, उनकी भावनाएँ क्या हैं।
इसमें मेरा तर्क यह है कि ये विदेश नीति को आप खाली मैंडरिन्स पर न छोड़ें। मैंडरिन्स माने जो विदेश नीति जो जो बाबू हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो विदेश सेवा, जैसे मेरे जैसे लोग जो विदेश सेवा में उस समय काम करते थे, और कभी कभी मासस जन की आवाज़ को भी सुने। और मैं इसका उदाहरण देता हूँ आपको। 1980 के बाद आपने देखा होगा कि हम पश्चिमी दुनिया के साथ भारत का जुड़ाव, भारत के रिश्ते बहुत जल्दी से बने। अगर हम में से कुछ लोग होंगे जो हो सकता कि हम या हमारे रिश्तेदार वहाँ पढ़ने के लिए गए हों, काम करने के लिए गए हों, सब ने कभी न कभी वहाँ टूरिज्म तो किया ही होगा। आप व्यापार देखें कि हमारे मार्केट किधर हैं, ज़्यादातर पश्चिमी दुनिया यूरोप अमेरिका के साथ है। तो हमारे हित जो हैं उसकी दिशा जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ है, पर हमारे मन में वो आइडियोलॉजी है, कहीं वो गांठ है कि भाई उनसे दूर रहो। तो जो अगर आप रियल इकोनॉमी और जो जो पब्लिक की परिप्रेक्ष्य से देखें तो देश जो है एक दिशा में जा रही है, और जो फॉरेन पॉलिसी 1980 और 1990 की फॉरेन पॉलिसी थी वो दूसरी दिशा में जा रही थी। तो ये जो जो उस समय का जो तनाव जो था दोनों के बीच में, इस पे मैंने लिखा है कि हमें जो है नीति बनाते वक्त हर समय पब्लिक के साथ जो जो जनता में जो जो फीलिंग जो है उसको भी हमें साथ लेकर जाना चाहिए। फिर दो देश हैं ऐसे जिसमें मुझे लगा कि उनके लिए मैंने थोड़ा एक्सक्लूसिव अटेंशन देना चाहिए। एक आपको लगेगा कि बहुत स्वाभाविक है, वो चीन है। और जो जो लेख जो है कि हम चीन को कैसे मैनेज करें, और मैंने चीन पे खास करके ध्यान दिया क्योंकि चीन जो है एक असाधारण पड़ोसी है, हमारे बहुत पड़ोसी हैं, पर चीन एक ही पड़ोसी है जो ग्लोबल पावर, हो सकता है कि सालों में सुपर पावर भी एक बन जाए, और ग्लोबल पावर के साथ बिल्कुल बगल में रहना इसकी अपनी चुनौती होती है। तो इसका सुझाव जो है सरल नहीं है, हमें इसके राजनीतिक सुझाव हैं, आर्थिक सुझाव हैं, हमें बॉर्डर को कैसे डेवलप करना, इसके टेक्नोलॉजी सुझाव भी। तो चीन को कैसे मैनेज करें, इसका एक लेख। और दूसरा देश जो है वो जापान, क्योंकि मुझे लगा उस समय कि हमने जापान का पूरा लाभ, उन रिश्तों का पूरा लाभ नहीं उठाया, कि सालों से हमारी जो समझ जो थी जापान की, कि जापान से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट, आर्थिक लाभ मिल सकते हैं, पर जापान की टेक्नोलॉजी और आजकल जापान की सिक्योरिटी उनके सिक्योरिटी, क्योंकि उनका प्रभाव जो है, और कभी कभी आजकल आपने देखा होगा कि जापान की फौज भी काफ़ी जापान से काफ़ी दूर आती है, तो जापान का कैसे पूरा लाभ लें। और उसी को आगे बढ़ाते हुए एक लेख जो है वो इंडो पैसिफिक, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। और इंडो पैसिफिक का महत्व ये है कि आजकल भारत की पहुंच, भारत का प्रभाव जो है ये हिंद महासागर से आगे जाकर प्रशांत महासागर तक पहुंचा है। तो एक किस्म से मेरा इसमें इसका मैसेज है कि वो विभाजन के बाद जो हमें जो हमारी जो इन्फ्लुएंस जो है इसको दुनिया ने हमें कहीं सिंगापुर और गल्फ के बीच में उसको बॉक्सिंग किया था, कि हमारी एक सीमा बनाई थी कि आप भारत हैं, आप यहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ तक जा सकते हैं, बस आपका लिमिट ये है। तो आज जो है भारत का प्रशांत महासागर तक पहुँचना, और वहाँ हमारी आर्थिक सहयोग हो या राजनीतिक हो या सुरक्षित हो, तो हमारी पहुंच कैसे पिछले सालों में कैसे बढ़ी। और आठवां जो था वो एक किस्म से मेरा फेवरेट है, जिसके बारे में दूसरों ने भी कहा, ये महाभारत पे मैंने लिखा था,
श्री कृष्ण, इसका टाइटल है इंग्लिश में कृष्णास चॉइस, मराठी में मेरे ख्याल से कहते हैं श्री कृष्ण निवाद। हाँ, तो और ये जो है मैंने स्ट्रैटेजिक कि भारत अपना स्ट्रैटेजिक कल्चर कैसे बनाए, तो उस परिप्रेक्ष्य से लिखा था। अब जैसे ये किताब प्रकाशित होने वाली थी, उस समय दुनिया में, भारत में भी कोविड की महामारी आई, तो मैंने आखिर में एक चैप्टर और ऐड किया था वायरस, मैंने कहा आफ्टर द वायरस कि, और ये आप सोचिए, ये 2020 लॉकडाउन का समय है कि मैं अनुमान लगा रहा था कि वायरस का प्रभाव क्या हो सकता है उस समय, क्योंकि उस समय ये स्पष्ट नहीं था। और पिछले साल जब ये इसी किताब की पेपरबैक एडिशन निकली, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा मैं और अपडेट एक बार और अपडेट कर दूँ, और मैंने चार जो दुनिया में पिछले सालों में बड़ी घटनाएं हुई हैं उनका, माने मिलजुल कर उनका दुनिया में प्रभाव क्या है, चार घटनाएं थी, महामारी, कोविड, एक जो यूक्रेन में जो संघर्ष हो रही है, अफगानिस्तान, अमेरिका की फौज जब वो अफगानिस्तान से निकले उसका असर क्या होगा, और जो बड़े देशों के बीच में तनाव, जो पश्चिमी देश और रशिया या US और चाइना, ये चार घटनाएं जो हैं इनका मिला के एक किस्म से दुनिया की स्थिति पर इसका प्रभाव क्या होगा। तो ये संक्षिप्त में मैंने सोचा कि मैं आपको किताब के बारे में बता दूं, ताकि आप लोगों का जो इंटरेस्ट जो है इसमें बढ़ेगा। और अब मैं चार विषय जो हैं उन पे मैं थोड़ी सी मैं समय लेकर मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ। एक जो है वो अवध और इतिहास के बारे में है, और मैं इतिहास पे इसीलिए बल देता हूँ क्योंकि बड़े देश जो हैं ये स्वाभाविक है कि वो अपने ही बारे में सोचते हैं, ये उनकी एक किस्म से DNA की एक कमी है कि नहीं, ये और ये खाली भारत के बारे में नहीं, सब बड़े देश जो हैं वो अपने पर, माने उनका पूरा ध्यान जो है वो अपने ऊपर होता है। और कभी कभी जो ग्लोबल, जब कोई भी देश ग्लोबल बनता है वो उस चक्रव्यूह से बाहर निकल के दुनिया के बारे में सोचने लगता है, जैसे अमेरिका ने किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब हमारे बारे में ही सोचिए कि अलेक्जेंडर के, सिकंदर के ज़माने से जो नॉर्थ वेस्ट से जो भी खतरे आए, कभी भारत में किसी ने पहले से सोचा नहीं था, जब तक वो खतरा बिल्कुल घर के अंदर नहीं आए। या आप समुंदर के बारे में सोचिए कि समुंदर से जो पश्चिमी देश भारत आए, उनको भी किसी ने एक किस्म से जो उस समय जो चिंता करनी चाहिए थी वो हमने नहीं किया। या मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ, आज़ादी के बाद जब 1950 में, हो सकता कि आप में से काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं, सरदार पटेल और पंडित नेहरू के बीच में चीन के बारे में काफ़ी माने एक विवाद था। हाँ, उनकी अलग अलग सोच थी। सरदार पटेल को लगा कि माने उत्तर से हिमालय के को पार करके भारत को खतरा हो सकता है चीन से, और ये आप मुझे आज भी जब मैं कोई जो नए जो फॉरेन सर्विस में विदेश सेवा में जो आते, मैं उनसे कहता हूँ कि ये जाकर आप जाकर ये जो एक्सचेंज ऑफ लेटर्स है इसको आप जाकर पढ़िए, क्योंकि ये हमारे में कमी है कि कुछ चीज़ अगर दूर हो हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। कभी हमें लगता है कि अरे दुनिया है, हमारी जो ज़िंदगी जो है वो कट रही है, वो कहीं और हैं, हम कहीं और। और जो चाइना से जो उस समय जो थ्रेट जो था, अब सोचिए कि एक उप प्रधानमंत्री को ये माने उन्होंने समझ लिया और दूसरे ने नहीं समझा। और ये इसीलिए मुझे लगा कि हमें बार बार इतिहास, अपने ही इतिहास को
समझना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उससे जो हमें जो सबक हैं वो हमें सीखने चाहिए। और आज दुनिया जो है बाहर नहीं है, दुनिया आपके दरवाजे पे है, कभी कभी घर के अंदर है। ये कोविड महामारी किसको पता था 3 साल पहले कि ये महामारी कहीं और से हम सबके घर में आई। या आप देखिए अभी यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, युद्ध का परिणाम आप देखिए कि पेट्रोल के दाम, अनाज के दाम, इन्फ्लेशन, इस पे क्या ये इनकी जो महंगाई जो इसके कारण कितनी बड़ी। या अगर आप आर्थिक दुनिया में देखें कि चीन से जो सामान जो आता है उसने हमारे जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर जो हैं उनको कितनी चोट पहुंचाई। तो ये हम लोगों में कभी कभी जो विचार होता है कि विदेश नीति विदेश सीमा के बाहर, वो दुनिया में आप सबको बताना चाहता हूँ कि वो दुनिया ख़त्म हो चुकी, पहले भी नहीं थी, उतनी नहीं थी, पर अभी तो ग्लोबलाइजेशन के इरा में दुनिया हमारे बिल्कुल घर में, मैं जैसे कहते हैं डोरस्टेप पे बैठी। और इसीलिए पर ये खाली इसमें अवसर भी है, ये खाली ये नहीं है कि चिंताएं, कि अवसर हैं कि वही दुनिया हमारे लिए एक एक्सपोर्ट मार्केट बन सकती है, रोजगारी के लिए वर्क प्लेस बन सकती है, या टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए वहाँ पार्टनरशिप्स बन सकते हैं। तो हमें जो है ये आने वाली पीढ़ियों को खासकर दुनिया के बारे में ज़्यादा ध्यान देना होगा, उनकी समझ और अच्छी होनी चाहिए। दूसरा विषय जो है ग्लोबलाइजेशन है, और जैसे मैंने कहा मुझे लगता है अगर आप एक शब्द आज प्रयोग करेंगे दुनिया की स्थिति का विवरण करने के लिए वो ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन को कोई इनकार नहीं कर सकता, उसकी कमियां हैं, कुछ लोग उसके खिलाफ हैं, कुछ लोग उसके बारे में अभी भी बहुत उत्सुक हैं, किसी का फायदा होता है किसी का नुकसान होता है। भारत के लिए हमें सोचना होगा कि अगर ग्लोबलाइजेशन हकीकत है तो हम इसका सबसे अच्छा प्रयोग कैसे करें, कि ग्लोबलाइजेशन के जो रिस्क जो हैं इसको कैसे घटाएं, ग्लोबलाइजेशन के अपॉर्चुनिटीज़ अवसर जो हैं इसको हम कैसे बढ़ाएं। अब पिछले 25 साल में जो ग्लोबलाइजेशन की मेन मॉडल जो थी वो चाइना केंद्रित मॉडल थी। पश्चिमी देश भी चाहते थे कि जितना प्रोडक्शन चाइना में ज़्यादा हो उनके कंपनी जो है वो अपना उनकी प्रॉफिट बढ़ रही थी। अब कोविड के कारण, उसके पहले भी जब ट्रंप राष्ट्रपति बने, अभी जो है उस ग्लोबलाइजेशन उस मॉडल पर दुनिया में पुनर्विचार हो रहा है। और कोविड के समय में बहुत सारे देशों ने देखा कि चाइना से जो उनकी अपेक्षा थी कि वो सप्लाईज बहुत स्मूथली आएंगे, वो सप्लाईज नहीं आई। और अब एक नई चिंता है कि हम सब जो हैं एक डिजिटल दुनिया में रहते हैं, और डिजिटल का मतलब है डेटा, और डेटा में सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपका डेटा कहाँ बसा है, उसको कौन देख, उसकी हार्वेस्टिंग कौन कर रहा है, उसकी प्रोसेसिंग कौन कर रहा है, उसकी मोनेटाइजिंग कौन कर रहा है। तो अभी जो है सप्लाई चेन और डेटा प्रोसेसिंग, डेटा रेजिडेंसी, ये एक दो बहुत चिंताजनक विषय बने हैं, और इसके कारण ग्लोबलाइजेशन की मॉडल जो है वो बदल रही है। और आपने पढ़ा होगा सुना होगा कि आजकल चाइना प्लस वन की बात हो रही है, तो इसमें भारत को देखना होगा कि चाइना प्लस वन अगर दुनिया इस दिशा में जा रही है कि भारत इसका कैसे लाभ उठाएं। और ये मोदी सरकार की नीति है कि हम जो हैं इंडस्ट्री को सपोर्ट देकर एक प्रक्रिया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि हम कैसे ग्लोबल कंपनीज़ को भारत लाएं ताकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता बने। और इसका मैं आज कहूँगा सबसे एक किस्म से सक्सेसफुल एग्जांपल जो है वो एप्पल का है।
कि भारत में अब आईफोन बन रहा है और हमारी अपेक्षा है कि ऐसे और भी के बड़े बड़े उदाहरण आगे वाले दिनों में निकलेंगे। तो जो जो किताब की जो टाइटल जो है इंडिया वे, तो इंडिया वे है क्या? भारत मार्ग, मार्ग है, वे है, पाथवे है, पर ये इंडिया वे जो है ये तरीका भी है कि इंडिया का एक वे है कि दुनिया की परिस्थिति में भारत, भारत का, भारत की सोच क्या है, भारत से क्या सुझाव निकलते हैं, भारत कैसे मैनेज करते हैं। और एक किस्म से इंडिया वे दूसरों के लिए मॉडल है, उदाहरण कि भारत क्या करता है और अगर वो जो हैं हमारे साथ अगर जुड़ जाएं तो उनके लिए कितना लाभ हो सकता है। तो इंडिया वे इसके मैं मुझे माने इसका अगर मैं निचोड़ निकालूं तो मैं कहूंगा इसके 6 मुख्य पहलू हैं। एक है आत्मनिर्भरता, कि जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं रहेंगे तब तक हमारी जो अपेक्षा है, हमारा सपना जो है कि हम दुनिया के एक लीडिंग पावर बनेंगे, हम लीडिंग पावर तभी बनेंगे जब हम आत्मनिर्भर होंगे, जब हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी एग्रीकल्चर, हमारी सर्विसेज, हमारी टेक्नोलॉजी भारत में रहे, भारत से बनाया जाए। और ये अगर मैं कहूँगा पिछले 10-8-9 साल में एक बड़ा परिवर्तन आया है, ये आत्मनिर्भरता के बारे में आया है। और अगर आप मुझे कहेंगे कि आप मुझे एक फॉर्मूला दीजिए कि भारत को लीडिंग पावर कैसे बनाए, मैं कहूँगा फॉर्मूला है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया अगर सफल रहे तो ये मैं आपको बिल्कुल आश्वासन दे सकता हूँ कि भारत यहाँ से वहाँ तक पहुँचेगा। और ये संभव, मैंने आपको एप्पल और आईफोन की उदाहरण दी। अब कभी सोचें वैक्सीन के बारे में, सोचें कि पिछले 3 साल में पूरी दुनिया वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही थी और कुछ देश थे जिन्होंने बनाए थे, पर हमारे स्केल में, हमारे कॉस्ट में और हमारे माने क्वालिटी में आप देखिए कि वैक्सीन कहाँ और बने। अब इसमें यह भी है कि हमें अगर आत्मनिर्भरता को आगे ले जाना है तो हमारे डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स को हमें खड़े करने हैं, हम दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकते। और यह अगर पिछले 30 साल में कमी है कहीं, ये कमी है कि हम हर समय ग्रोथ की बात करते थे, पर हमारा ग्रोथ जो है खासकर चाइना से इंटरमीडिएट्स और कंपोनेंट्स इंपोर्ट करता था। अब समय आ गया है कि हमें, हम अपनी इंडस्ट्री खासकर जो SME सेक्टर जो है इसको पूरा सपोर्ट दें ताकि हमें देश के अंदर जो सप्लाई चेन जो बननी चाहिए वो बने। और दूसरा कि हम साथ ही साथ ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल मार्केट्स के साथ भी जुड़ें। ये नहीं है कि हम जैसे 1970 और 1980 की हम देश के अंदर ही रहें, कि हम में वो क्षमता है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी जो प्रोडक्ट्स जो हैं आज दुनिया में सक्सेसफुल हो सकते। और अगर आपको इसका उदाहरण चाहिए तो आप देखिए 2 दिन पहले जो रिपब्लिक डे में जो परेड जो हुआ था, अभी तक हम देख रहे थे कि ज़्यादातर जो भी परेड में जो हथियार जो प्रदर्शन, जिनकी प्रदर्शन होती थी, इस बार आप देखिए उनमें से कितने ऐसे चीज़ें थी, ऐसे प्लेटफॉर्म्स थी जो भारत में बनी थी, और मुझे पता उनमें से कुछ तो पुणे में भी बने थे। दूसरा पहलू जो है आत्मनिर्भर के बाद आत्मविश्वास का, क्योंकि जब तक देश में आत्मविश्वास नहीं है वो देश जो है वो कॉम्प्रोमाइज करता जाएगा। कि कभी और ये जो जो ग्लोबल पॉलिटिक्स, हर पॉलिटिक्स में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत है, पर अगर हमारी हमारी अपेक्षा है, हमारी एक किस्म से अम्बिशन है कि हम दुनिया में आगे बढ़ें, तो हमें कभी कभी ऐसे समय आएंगे जहाँ जब चुनौतियाँ, ऐसी चुनौतियाँ आएंगे जहाँ हमें उसका सामना करना पड़ेगा। और उसका उदाहरण देवेंद्र जी ने दिया
अब आप सब जानते हैं कि यूक्रेन के बारे में हम पर कितना दबाव था, हम पे इतना दबाव था, पर प्रधानमंत्री पहले दिन से उनकी सोच बहुत ही माने स्पष्ट थी कि हमें जो भारत के हित में है वो ही करना चाहिए। और जब किसी भी विदेश मंत्री को इतनी स्पष्टता से आदेश मिलती है तो मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरा काम बहुत आसान था। और ये खाली यूक्रेन का मामला नहीं, अगर आप कभी कभी अब हर देश जो है हमारे देश, हम सब हथियार लेते हैं दूसरों से, हम एक देश हैं जिन्होंने सबके साथ ऑप्शन खोल रखा। हमने फ्रांस से राफेल की हवाई जहाज ली, हमने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिया, अमेरिका से हेलीकॉप्टर ली, तो सबके साथ एक किस्म से जो जिसमें ज़्यादा आत्मविश्वास है वही देश जो है वो सबके साथ बड़े लेवल पे सबसे उस स्तर पे वो पूरा जो इंटरनेशनल गेम जो खेलना होता है वो खेल सकता है। तीसरा जो है ये आजकल समय की मांग है कि विषय अनुसार सहयोग कैसे बढ़ाया जाए, कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में देखें, ये नहीं है कि आपके राजनीतिक जो पार्टनर हैं वो ऑटोमेटिकली आर्थिक पार्टनर होंगे या टेक्नोलॉजी पार्टनर होंगे या एनर्जी पार्टनर होंगे, अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग साझेदारी हम कैसे बनाएं और साथ ही साथ सबको कैसे साथ ले जाएं। और क्या होता है इसमें भी कभी कभी दबावें आती, जैसे अब हम लोगों ने तय किया था कि हम ये क्वाड क्वाड की एक प्लेटफॉर्म थी कि चार देश मिलजुल के हमने तय किया था कि हम इंडो पैसिफिक में काम करेंगे, और इस पे दबाव आया दूसरे देशों से, पर हमें लगा कि ये हमारे हित में है, दुनिया के हित में, तो हम ये जो विषय अनुसार सहयोग इसको कैसे आगे बढ़ाएं। और मैक्सिमम देश, क्योंकि कूटनीति की सफलता ये है कि जो देश जो है जिसकी पार्टनरशिप सबसे ज़्यादा हों और अलग अलग देशों के साथ हों और सबको साथ ले जा सकते हैं, ये एक किस्म से सक्सेस का डेफिनेशन है। चौथा जो है ये राष्ट्र सुरक्षा के बारे में, और इसमें भी कभी कभी ऐसी चुनौतियां आती हैं जहां निर्णायक कदम की ज़रूरत होती है। अब इसका सबसे मैं कहूँगा सबसे ऑब्वियस एग्जांपल जो है ये आतंकवाद है, कि हम सब जानते हैं किसी और देश ने आतंकवाद को ऐसा नहीं झेला जैसे भारत, क्योंकि किसी और का ऐसा पड़ोसी नहीं है जैसा हमारा। पर कभी कभी हर चीज़ की हद होती है, और वो सीमा जब उरी हुआ, जब पुलवामा हुआ, हमें निर्णायक कदम लेने चाहिए थे। तो ये उरी और बालाकोट के जो मैसेज जो थे ये भी एक किस्म से इंडिया वे का एक उदाहरण है। और अभी जो उत्तरी सीमा में जो हमारे आर्मी की डिप्लॉयमेंट है, और आप ये याद रखिए ये डिप्लॉयमेंट जो है कोविड के समय लॉकडाउन के समय में हुई थी, तो वैसे भी ये डिप्लॉयमेंट कठिन थी, लॉकडाउन में हजारों सैनिकों को वहाँ ले जाना जबकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमज़ोर था, क्योंकि पहले की सरकार ने सोचा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए तो वही हमारी सुरक्षा है। तो कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर में हज़ारों सैनिकों को वहाँ उस, और ये 10,000-15,000 फुट की मैंने चढ़ाई की बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने कहा ऐसा समय आता है जहां निर्णायक कदम की ज़रूरत होती है। और फिर ये ग्लोबल एजेंडा, कि हमारा प्रभाव ग्लोबल एजेंडा पे कैसे हम इसको और अधिक बढ़ाएं, और ग्लोबल एजेंडा क्योंकि किसी भी बड़े देश को स्वार्थी नहीं लगना चाहिए, और हम हैं भी नहीं, क्योंकि हमारी परंपरा में जैसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हमें कभी माने हमें जन कल्याण और जुग कल्याण से कभी हमने कभी उसके बीच में तनाव नहीं देखा।
तो क्लाइमेट हो या महामारी वैक्सीन, या कभी कभी जो कहते हैं डिजास्टर रिस्पॉन्स। ये नेपाल में आपको याद होगा कि भूकंप आया था 2015 में, 24 घंटे के अंदर हमारी हवाई जहाज वहां पहुंच चुकी थी, हम सबसे पहले रेस्पॉन्डर थे। श्रीलंका में बहुत बारिश हुई थी, बहुत बड़े मडस्लाइड्स हुए थे। मालदीव्स में उनके राजधानी में पानी की सप्लाई फेल हो गई थी। यमन में आपको कुछ याद होगा कि एक युद्ध के बीच में हमारे भी लोग फंसे थे, दूसरे लोगों के लोग भी। तो ये फर्स्ट रेस्पॉन्डर, इसका हमने एक अब बहुत अच्छा रिकॉर्ड साबित किया है, और साबित ऐसा किया है कि हम लोग हमारे लोगों का तो हम ख्याल रखें, पर उसी समय हम दूसरे का भी सोचते हैं। जब हमारा जहाज, पहला जहाज वुहान गया था महामारी के समय में, उस जहाज में हमारे नागरिक के अलावा हमारे पड़ोसी भी कुछ आए थे। तो ये भी एक किस्म से ये इंडिया वे को दर्शाता है। और जो छठवां जो जो पहलू जो है, ये हमारे नागरिकों के बारे में है, हमारे भारतीय मूल के समुदाय जो जो देश के बाहर जो रहती है। कि कोई भी देश, अगर हम कहते हैं कि राइज ऑफ इंडिया, लीडिंग पावर, जब तक हम अपने लोगों का ख्याल नहीं रखते, ये दुनिया यकीन नहीं करती कि आप में वो दम है। तो कोविड के समय में वंदे भारत मिशन के तहत हम जो हैं 70 लाख से ज़्यादा हमारे नागरिक को हम देश वापस ले पाए। उक्रेन के युद्ध के बीच में हमारे जो करीब 20,000 विद्यार्थी जो फंसे थे, उनको लड़ाई के बीच में और दो शहरों में युद्ध विराम करवा के हम उस आपत्तिजनक स्थिति से बाहर निकाल पाए। और ये खाली माने डेंजर के समय पे जारी नहीं होता, ये किस्म से रोज का मामला है। क्योंकि हमारे मजदूर, हमारे टूरिस्ट, हम और आप, हम में से कोई ना कोई हर रोज बाहर जाता है। किसी के पासपोर्ट खो जाती है, कहीं चोरी हो जाती है, कोई फंस जाता है, कोई। तो अभी जो है मोदी सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें कोई भी नागरिक बाहर फंस जाए, तुरंत हमारे राजदूतावास को एक किस्म से उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, और उनकी सोच भी ऐसी है कि जितना जल्द से जल्द वो किसी की मदद करें। और ये मदद जो है सचमुच एक पोर्टल का नाम भी है, एक ऑनलाइन पोर्टल है मदद नाम का, कि कोई भी फंस जाए वो पोर्टल पे जाते हैं, अपनी शिकायत या अपनी जो स्थिति जो है उस पोर्टल में लिख देते हैं और तुरंत उसका जवाब आता है। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे करीब 10 लाख विद्यार्थी देश के बाहर पढ़ते हैं, और खाड़ी में ही करीब 70 लाख हमारे लोग काम करते हैं, तो आप संख्या देखिए। तो अभी जो है हम अलग अलग देशों से ये नेगोशिएट कर रहे हैं कि जो जब हमारे लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं, कि हम आपस में एक समझौता कर लें कि उनका जो वहाँ जो उनके उनको जो ट्रीटमेंट, उनका व्यवहार जो होगा वो उन्हीं के नागरिकों के समान होगा, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो हमारे विद्यार्थी जो जाते हैं उनके लिए काम करने का मौका मिलेगा। जो एक देश से दूसरे देश जो लोग वीज़ा पे जाते हैं, और आजकल आपने देखा होगा कि पासपोर्ट मिलना भी और आसान हो गया है, वीज़ा, और जब दूसरे राजदूतावास जो हैं कभी कभी वीज़ा के बारे में, और आजकल ये मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है, कि हम कोशिश भी करते हैं कि कहाँ वीज़ा वीज़ा पे वीज़ा को दिलवाने में कहाँ हम मदद कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये इंडिया वे जो है मेरे लिए जो
जो अगर लोग कहें कि आप हमें समझाइए कि भारत को किस दिशा में जाना चाहिए, मेरे मन में तो है कि जो भारत एक किस्म से इंडिया वे में जो जाता है, कि जहाँ जो और आत्मनिर्भर है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ी, जहाँ स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, जहाँ यूनिकॉर्न्स की संख्या जो है वो बढ़ रही है, जो वंदे भारत मिशन के काबिल हो, जो अपने विद्यार्थियों को यूक्रेन से लाता है, जो गलवान में खड़े होने की धैर्य दिखाता है, जो उरी और बालाकोट कर सकता है, जो 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 विकासशील देश की आवाज़ बन सकता है, क्योंकि अभी जो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों की एक समिट बुलाई थी जिसमें 120 देश से ज़्यादा लोग आए थे, और वो मंत्री और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के स्तर पे आए थे कि हम विकासशील देशों की आवाज़ बने, जो G20 की अध्यक्षता जो है उसको और जिम्मेदारी से और माने दुनिया में जो सर्वसम्मति कैसे इसको आगे करें, जो जिसकी इकोनॉमिक जो आर्थिक क्षमता बढ़े, हम 10 साल पहले नंबर 10 में थे, अभी हम नंबर 5 तक पहुंचे, पर हम वहां रुकने वाले नहीं, कुछ ही सालों में हम नंबर 3 तो जरूर पहुंचेंगे। और जो भारत जो है वो नेशनलिस्ट भी हो और इंटरनेशनलिस्ट भी हो, ये अगर मैं कहूँगा कि इंडिया वे की आप परिभाषा दीजिए, ये उदाहरण के साथ ये मेरी परिभाषा है। और मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में, क्योंकि मुझे भी ये सरकार के साथ ये मेरा 5वां दशक है, और मैं आपको कह सकता हूँ कि पिछले 10 साल में जो परिवर्तन मैंने देखा है इसका माने कोई जवाब नहीं है। और मुझे मैं सचमुच ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, ये एक अनुभवी आदमी का स्टेटमेंट है जो कहता है कि मैं खुद अपने मुझे अपने जो 1970s, 80s, 90s की याद आती, और आज जो मैं चेंज देख रहा हूँ, ये हर महीने, हर हफ्ते, हर कैबिनेट मीटिंग में जो चेंज होती, ये एक किस्म से क्रांतिकारी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया वे जो है हमारे लिए, अगर हम उसी मार्ग में जाते जाए कि हम बिल्कुल जो हमारा लक्ष्य है कि दुनिया में लीडिंग पावर बनना है, कि हम ज़रूर वहाँ पहुँचेंगे। तो मैं यहाँ मैं समाप्त करता हूँ, पर मेरे पास एक शीट और है जो मैंने जानबूझ के अभी प्रयोग नहीं किया, वो महाभारत के बारे में, और मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं प्रश्न उत्तर में बात उठेगी, तो जब अगर वो अवसर होगा तो मैं उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा। थैंक यू।